कल हमने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जैसे आपने फरमाया डे वन के एक्टिविटीज़ किए, तो कल डे वन के एक्टिविटीज़ में हमारा ब्रॉडली ये था, पहले तो हमने इकट्ठे बैठ के सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स, हम सब ने इश्यूज़ डिस्कस किए। म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स ने एक एक ने अपने अपने इश्यूज, इम्पॉर्टेंट पेंडिंग इश्यूज जो हैं, क्रॉनिक इश्यूज जो हैं, वो सारा डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ भी डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने कल डे वन पे कोई साइट्स भी विजिट किए जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहीं पर है, कोई रोड ठीक नहीं है, या किसी जगह पे यूटिलिटी शिफ्टिंग का मसला है, तो वो सारा हमने साइट विजिट बहुत डिटेल तरीके से किया। यहाँ पे बस स्टैंड का भी इशू था, एक्सपेंशन का, कुछ रोड्स ठीक नहीं थे, वो सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर प्रॉब्लम था वो सब एरिया विजिट किया। तो आज डे टू में हमने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को एक एक को बुला के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुला के सारे प्रॉब्लम्स जो कल हमने डिस्कस किए थे आज हमने उनके सॉल्यूशंस की बात की। तो सॉल्यूशंस में हमने काफ़ी चीज़ें देखा, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, डीसी साहब के लेवल पे हो सकता है, और डीसी साहब ने नोट कर लिया, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और कुछ चीज़ें जो है वो सरकार के लेवल पे, सेक्रेटेरिएट के लेवल पे सॉल्व होंगे, वो मैं सारा नोट मैंने कर लिया है, वो ले जाके मैं उनको इश्यूज़ को एक एक सेक्रेटरीज के साथ डिस्कस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रामा हॉस्पिटल का यहाँ पर जो मिसाल के साथ प्रॉब्लम है, ट्रामा हॉस्पिटल बना हुआ है 2012 से, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मशीनरी है, टेक्निक्स है, टूल्स है, बट फंक्शनल नहीं है बिकॉज डॉक्टर्स नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न का मसला है। हेल्थ डिपार्टमेंट को इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ के पास पर्सनली जाऊँगी, राइटिंग में भी लेके जाऊँगी और उनके साथ डिस्कस भी करूँगी। एंड मुझे उम्मीद है वो इस पर गौर फरमाएंगे और इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन देंगे। बेसिकली सारे यू नो इमीडिएटली कंसल्टेंट्स ना भी यहाँ पर डिप्लॉय कर पाएँ, वो कुछ बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एक फिजिशियन का हर दूसरे दिन हर दिन ज़रूरत होती है, और गायनेकोलॉजिस्ट, तो ऐसे बेसिक जो यू नो सर्विसेज के कंसल्टेंट्स जो हैं, मैं उनको बोलूँगी जल्द अज जल्द वो यहाँ पे तैनात करें और ट्रॉमा हॉस्पिटल को फंक्शनल बनाएं। दूसरा एक मिसाल के तो एग्जांपल है, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, तो पानी थोड़ा सा वहाँ पे क्योंकि वो कवर्ड नहीं था, तो मंकी मेनेस की वजह से वहाँ पे वो थोड़ा गंदगी वगैरह हो रहा, तो हमने वो साइड भी देखा और उसका भी डीसी साहब के साथ हमने डिस्कस करके हमने ये फैसला किया है। इसमें ऑलरेडी उन्होंने स्पेट वर्क कर लिया था, तो अब हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि एक हफ्ते के अंदर वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है सफाई भी होगा उसका और बिल्कुल अच्छी तरह से कवर भी हो जाएगा। और उसका अप्रोच रोड का भी मसला है, मैंने डीसी साहब को बोला है, वो उसमें गौर फरमाएंगे। और कंसर्न एजेंसीज हैं जैसे पीएचई एंड जेकेपीसीसी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बुला के वो इस पर गौर फरमाएंगे। इस तरह से हमने हर दूसरे इशू का, नेशनल हाईवे का डस्ट का इशू था बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि बहुत जल्दी आइंदा आने वाले साल में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने उनको बोला वो अपने लेवल पे पूरा कोशिश करें ताकि लोगों का यहाँ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और ये डस्ट वाला जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट मुबारकबाद देना चाहूँगी कि म्यूनिसिपल कमेटी रामबन जो है अब म्यूनिसिपल काउंसिल बन गया है, ज़्यादा पावर्स मिले हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और फंड्स भी ज़्यादा है, ₹1 करोड़ मिला है, कमेटीज़ को ₹50 लाख मिला है और काउंसिल के लेवल पे ₹1 करोड़ मिला है। तो मेरे ख्याल में ऐसे एक छोटी जगह के लिए काफ़ी अमाउंट है जो हमने यहाँ पर ये माई टाउन माई प्राइड के यू नो आज और कल के दो दिन में जो डिस्कशन किया, इशूज़ को हमने देखा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जिन पर ये पैसा जो है बहुत एक अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और इस पैसे का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए सारे काउंसिल के मेंबर्स को पहले कंसेंसस बनाना पड़ेगा, एजेंडा बनाना पड़ेगा, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो उस लिहाज से करेंगे तो आई थिंक ₹1 करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड दे कैन डू वेरी वेल। सो ये एक बहुत माइलस्टोन अचीव हुआ है, मैं डीसी साहब को भी मुबारकबाद दूंगी क्योंकि इनके टाइम पे ये सारे एक्टिविटीज़ इनिशिएट हुए हैं और रिजल्ट भी निकला है।